नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति तेज बहादुर कॉलोनी के पास उपस्थित है। आपको बताना चाहता हूं कि आज मरहबा केयर हॉस्पिटल का आज भव्य उद्घाटन हुआ। मोहम्मद शहबाज से बात जब करने की कोशिश किया हूं तो उन्होंने बताया मरहबा का मतलब होता है स्वागत, वेलकम करना, और यहां पे जितने भी लोग आएंगे उनका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि शहबाज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हम भी एक गाँव से बिलोंग करते हैं और हमें एक ही मकसद है कि जिस तरीके से गाँव के लोग हॉस्पिटल के नाम पर जिस तरीके से धक्का खाते हैं, वो सुविधा धक्का नहीं खाएं, वो सुविधा हम यहाँ पे देने वाले हैं। आपको जब यहाँ के संचालक से जब बात करने की कोशिश किया हूँ तो उन्होंने बताया कि मरहबा हेल्थ कार्ड भी बनेगा जो निःशुल्क रहेगा, और वो आपको यहाँ पे अगर वो मरहबा हेल्थ केयर कार्ड बनाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, चाहे मेडिसिन हो, चाहे आपको जाँच हो, चाहे वो डॉक्टर हो, हर चीज़ में आपको यहाँ पर जो है छूट मिलने वाली है। आज झाझा की धरती पे एक शानदार हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ और ये तेज बहादुर कॉलोनी के पास ये है हॉस्पिटल। तो बहुत सारे खुलते हैं, ये हॉस्पिटल अपने तौर का एक यूनिक हॉस्पिटल होगा। यहाँ गरीबों का भी सही ढंग से इलाज होगा और सारी फैसिलिटी है। गैनोलॉजिस्ट यहाँ होगी, जनरल फिजिशियन भी यहाँ होंगे और सारा 24 घंटा सेवा रहेगा यहाँ। युवा चेहरा जुड़ रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अंसारी है। हॉस्पिटल में क्या है आप? जैसे यहाँ के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हमें और कह सकते हैं फाउंडर हमें। यहाँ पे जो डॉक्टर्स अभी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, फिलहाल जनरल फिजिशियन के लिए रहेंगे हमारे पास एक डॉक्टर, हमारे पटना के हैं और एक चेन्नई के रहेंगे। चेन्नई के जो MBBS है डॉक्टर सुशील सर, और आपके जो पटना से आ रहे हैं हमारे सर वो है डॉक्टर संजय अंसारी। और अभी फ़िलहाल जो हमारे पास में जो सुविधाएं हैं, फ़िलहाल ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करा रहे हम लोग, देखेंगे कि अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर चीज़ों को हम लोग बढ़ाएंगे। एज ऑफ नाउ OPD हम लोगों का चलेगा और जनरल फिजिशियन में जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करेंगे हम लोग। हॉस्पिटल का क्या नाम है? हॉस्पिटल का नाम है मरहबा केयर हॉस्पिटल, जैसा आप लोग देख सकते हैं। मरहबा का मतलब क्या होता है? मरहबा का मतलब होता है वेलकम, कि सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने इलाज के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बेचारे लोग परेशान रहते हैं, लाइन में लगते हैं, धक्के खाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि चेहरा देख के भी काम किया जाता है। चेहरा देख का मतलब जैसे है कि गरीब जो दिख रहा है, जी आप उधर जाइए। हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे इस तरीके का चीज़ हो। यहाँ पे इस वजह से मरहबा नाम रखा गया ताकि हर किसी का यहाँ पे वेलकम है, आप आएँ और अच्छे से अच्छा इलाज पाएँ। और बिहेवियर जो यहाँ पे होगा, हमारे जितने भी कंपाउंडर्स हमारे होंगे, जितने भी वर्कर्स यहाँ पे होंगे, जितने भी डॉक्टर्स होंगे, बहुत अच्छे से बिहेव भी करेंगे और बहुत अच्छे से पेश भी आएंगे आप लोगों के साथ। कोशिश यही रहेगी। गरीबी के जी तो कितना फीस होगा डॉक्टर का? 200 रुपये फीस रहेगा ऐसा नॉर्मली हम लोगों का, और उस पर जी हाँ बिल्कुल 200 रुपये फीस रहेगा हम लोगों का। क्या सोच के आपने हॉस्पिटल खोला? आप युवा हैं जी, बहुत सारे उद्योग लगा सकते थे या बहुत सारा कुछ, लेकिन आपने क्या सोच के ये हॉस्पिटल का क्षेत्र चुना? जैसे सर, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं हम लोगों का काम जो है थोड़ा अलग है, लेकिन जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एजुकेशन ना मिलने की वजह से बहुत धक्का खा रहे हैं वो लोग। तो हम चाह रहे थे कि एजुकेशन के लाइन में भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हेल्थ में लाइन में आने का वजह ये रहा कि बहुत सारे गरीब गुरबा लोग जो धक्के खा रहे हैं हॉस्पिटल में, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे जो अच्छे से इलाज दे रहे हैं, अच्छे से पेश आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पर नहीं मिल पा रहा वो। तो हम लोग चाहे कि चलो इसमें भी हम लोग है ना, जहाँ तक हो पाए हम लोगों से पॉसिबल प्रोवाइड करें हम लोग। कहीं नहीं लगता है मानवता की सेवा हो गई जी? बिल्कुल सर। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे झाझा की जनता? लोगों से अपील करेंगे कि आप हम लोगों का एक बारी मौका दीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए। जहाँ तक हो पाएगा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ से खुश करके भेजें, स्वस्थ करके भेजें। और अगर कोई कंप्लेन किसी तरह का शिकायत हो तो हम चाहें कि हमसे आगे करिए ताकि हम उसको दूर कर सकें। यहाँ पे OPD शुरू हो गए? OPD परसों से, सैटरडे से शुरू करेंगे सर हम लोग। मरहबा का कोई हेल्थ कार्ड भी है वगैरह? हाँ, मरहबा हेल्थ कार्ड भी प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप इनसे जुड़ते हैं, मरहबा हेल्थ कार्ड अगर आप लेते हैं तो उसमें जो जहाँ पे डॉक्टर्स का जो फीस होता है वो कम लगता है, जहाँ पे जांच होता है, जांच का जो फीस लगना होता है वो कम लगता है, इवन मेडिसिन जो आपको जहाँ मिलता है, मान लीजिए 100 रुपये का मेडिसिन 100 रुपये में मिल रहा है तो उसमें भी आपको कुछ राहत मिलता है।
तो मरहबा हेल्थ कार्ड बनवाने का ज़ाहिर है कुछ फ़ायदा है। नियम है कार्ड बनवाने का? सर नियम है कि अगर आप हॉस्पिटल आ रहे हैं, अगर आपको हॉस्पिटल का फैसिलिटी अच्छा लगा और आप जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से, आप चाहते हैं कि मतलब बने रहें किसी तरह का, तो आप आधार कार्ड जमा कर सकते हैं हमारे OPD रिसेप्शन के पास। रिसेप्शन में आके आप आधार कार्ड जमा करते हैं, उससे आपको बन जाता है स्मार्ट कार्ड की तरह कुछ। स्मार्ट कार्ड की तरह सर जी बिल्कुल। क्या फीस होती है कार्ड? फ्री है सर, वो चार्ज नहीं है उसका। जी जी बिल्कुल फ्री है। जनाब किस प्रकार से झाझा में हॉस्पिटल का आज आगाज हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक अशरफी है। मैं मदरसा अशरफ़ मुतारुलूम जमुई का एक नाज़िम आला हूँ। जो मुझे मालूम हुआ यहाँ मरहबा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, इसमें हर इंसान के लिए ये खुलेगा और गरीबों का भी इसमें बहुत योगदान रहेगा, बहुत उसके लिए ताउन किया जाएगा। और खुलने वाले कोई आपके लगते हैं? जी हाँ, वो मेरे शहजादे हैं, मेरे बेटे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, झाझा एक बैकवर्ड इलाका है, गरीबी इलाका है जी, बीड़ी बना के लोग पेट पालते हैं, आपके शहजादे हैं जिस तरह गरीबों के लिए उत्तम काम किया है, तो कितनी सुविधाएँ मिल पाएंगी गरीबों को? मिलेगी, जहाँ तक हो सकेगा उसे दिया जाएगा। क्या दुआ करते हैं आप? दुआ ये करते हैं कि कामयाब हो, मुकम्मल तौर पर नजरबंद से महफूज हो और गरीबों को बेहतर इलाज भी हो।